पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, केवल दिल्ली दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में इससे खबरें आ रही हैं। और ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं, और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूँगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स, एमएलएज, सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, वो सभी एमएलए, सभी काउंसलर, सभी मेयर, मंत्री, सब जो ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों को उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत, मैं कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने रात रात भर 24 24 घंटे काम किया है। लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए, चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स किए जाएं, ऑल एफर्ट्स आर प्रूविंग लेस, वो सब कम साबित हो रहे हैं कि जितने भी हम एफर्ट्स अभी करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है 40 साल में। ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9, 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें, तो पिछले कुछ वर्षों में तीन चार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, एक घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे पानी का जल भराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था, और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मैं, कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है? इसको दो फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा, दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी, हरियाणा में भी, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूँगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी,
जब 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे छोड़ा गया था और 207.49 मीटर मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था, ये 1978 में हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने यमुना पे बंद बना दिए, कई सारे स्टेप्स उठाए गए। 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 207.32 mm तक यमुना पहुंची, मीटर तक यमुना का लेवल पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक मीटर तक रेलवे ब्रिज पे वो पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा, कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सीडब्ल्यूसी के लगातार हम टच में हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। सीडब्ल्यूसी के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा है यमुना का, कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है, तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, वेदर फोरकास्ट्स के ऊपर भी नज़र है, वहाँ से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र है। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे, इवैक्यूएशन भी जो बिल्कुल यमुना के तट के ऊपर आसपास लोग रह रहे हैं झुग्गी बस्तियों के, ऐसे 41,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके लिए रिलीफ कैंप्स बना लिए गए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ पे शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में हम लोग ले जाएंगे। जहाँ तक अभी तैयारियों का सवाल है, पीडब्ल्यूडी के 680 पंप परमानेंटली पानी को सक करके जहाँ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, 326 टेम्पोररी पंप्स और लगा दिए गए हैं 680 के अलावा, और 100 मोबाइल पंप्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कर सकते हैं। एक और निर्णय लिया गया कि कई जगह हो सकता है कि सड़कों के ऊपर पॉटहोल हो गए हों, अभी बारिश हो रही है, अभी उन पॉटहोल्स को रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर टूट जाएगा, लेकिन उन्हें पत्थर तो भर सकते हैं ताकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर पॉटहोल हो गया और उसके अंदर पानी भरा पड़ा है तो हो सकता है मोटरसाइकिल या उसको दिखेगा ही नहीं और वो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। सो टेम्पररी बेसिस पे ये ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली की एमसीडी की या पीडब्ल्यूडी की जो भी सड़कें हैं कोशिश करके सारे पॉटहोल्स के अंदर पत्थर भर के उसको एक बार ही वो कर दिया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। बेलमाउथ जितने हैं, जितने इनके ड्रेन्स के, वो इसकी वजह से कई जगह जो है वो वहाँ पे पन्नी आके वो बंद कर देती है उसको, कहीं कूड़ा कर देता है, वहाँ पे ड्यूटी स्पेशली लगाई गई है कर्मचारियों की कि वो लगातार उसको साफ करते रहें ताकि बेलमाउथ अगर नालों के खुले रहेंगे तो उसमें पानी की आवाजाही जारी रहेगी। जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, कई जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर टेम्पररी बेसिस पे नाली को बंद कर देते हैं, नालों को बंद कर देते हैं, वो सारे अभी खोलने के आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको सबको बारिश के अंदर खोल दिया जाए, अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाए। कई जगह आप देखते हो कि बारिश आई, साइड में पानी भर गया और ट्रैफिक जैम लग गया, और ट्रैफिक जैम लगने से आदमी देखता है थोड़ी देर इकट्ठा होता है फिर वहीं से यू टर्न ले लेता है, चार गाड़ियों ने यू टर्न लिया और फिर उसके बाद वहाँ पे जैम लग जाता है बुरी तरह से। तो जितने ट्रैफिक पॉइंट्स वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके ये इंश्योर किया जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करे ताकि किसी को भी यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं हो, ताकि ट्रैफिक वो किया जा सके, ट्रैफिक जैम को रोका जा सके। ये देखा गया कि इस बार
ये किसी को दोष देने की बात नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बारिश की वजह से एनडीएमसी, जो कि वीवीआईपी एरिया माना जाता है, वहां बहुत जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है कई इलाकों के अंदर। तो एनडीएमसी को कहा गया है कि इसको स्टडी करके और स्पेशल प्लान बनाया जाए ताकि इस किस्म की दोबारा शिकायतें ना मिलें। और पूरी दिल्ली में 3 ऐसी लोकेशंस थी जहां पे रोड एकदम से केविन हो गई, वो बिल्कुल धस गई रोड एकदम से, और बहुत बड़ा एक गड्ढा क्रेटर टाइप बन गया। उसका जांच के आदेश दिए गए हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ रोड भी हो सकता है, और नीचे अचानक उतना पोर्शन क्यों धसा, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे पानी की कोई पाइपलाइन जा रही थी जो फट गई और उसकी वजह से सारी की सारी मिट्टी जो है वो एकदम से धस गई। तो उसके जांच के आदेश दिए गए हैं।